फ्रेंड्स, आप जैसा कि पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं हम सबकी फेवरेट वेज बिरयानी। हालांकि लोग बोलते हैं कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वो पुलाव होता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल बिरयानी वाला फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट मिलेगा। तो आइए बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करे देखते हैं कैसे बनानी है हमें वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ वेजीज ऐड करेंगे सारी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये पोटैटो ऐड कर रही हूँ। मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहिए तो फ्राई कीजिए, नहीं बने तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कॉलीफ्लावर है, गोभी है, फूल गोभी, इसे ऐड करूँगी। इसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, ये भी अगेन ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने थोड़े चॉप्ड किए हुए टोमेटोस। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा, ये मेरे पास ये सोया चंक्स थे वो डाल रही हूँ। इसको डालने से क्या होता है ना, बिरयानी में फ्लेवर भी अच्छा आता है और हमें एक प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, तो हमें प्रोटीन भी मिल जाता है अपनी डाइट में। मुझे तो खैर बेसिकली पसंद भी बहुत है, तो मैं फिर ये डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास जिंजर, ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट है, अब हम इसमें वो डालेंगे। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे फ्राइड अनियंस हैं, तो ये आप, ये भी अगेन आपका मन हो तो फ्राई करके डालिए। अगर आपको ज़्यादा हेल्दी बनानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और रॉ ऑनियन भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपना सुपर इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है नमक, और वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक अच्छा फ्लेवर और इसे एक अच्छा कलर देने के लिए। वैसे तो लोग वेज बिरयानी को बिरयानी बोलते नहीं है, बोलते हैं पुलाव है, बट फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको सच में वेज बिरयानी से प्यार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कर्ड, इतना कर्ड डालना है कि जितनी भी वेजीज हमने डाली है वो अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, आप कोई और अगर ऑयल खाना प्रेफर करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मुझे मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, तो यहाँ मैंने लगभग हाफ लेमन के लगभग लिया है, तो लेमन जूस, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना वेजीज बहुत खट्टी हो जाएंगी और फिर वो राइस में अलग से खट्टापन पता लगेगा। अब क्योंकि हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम अपना हीरो ऐड करेंगे, हीरो मतलब अपना बढ़िया बिरयानी मसाला। तो ये आप इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप वहाँ से भी ला सकते हैं, मैं भी यहाँ मार्केट का ही एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है, मतलब फ्लेवर्स हर स्पाइस का बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हम इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आहाती अच्छा फ्रेगनेंस आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से जो वेजीज थी वो मिक्स कर ली है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, अभी मैं फिर से ऐड कर देती हूँ, मैं मटर डालना भूल गई, तो बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें मटर ऐड कर देती हूँ। ये सारी वेजीज हो गई ना, ध्यान नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, मटर तो छोटी सी होती है, मिक्स हो जाएगी अपने आप। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मटर के बिना कहाँ मज़ा आएगा पुलाव में या बिरयानी में। बस अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर टाइम है तो बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ आप 30 मिनट के लिए कम से कम रख दीजिए मैरिनेट होने। नहीं टाइम है तो आपके पास जैसा टाइम हो 10 मिनट 15 मिनट आप वैसे भी इसको रख सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स अब तक हमारा जो वेजीज है वो मैरिनेट हो रही है तो हम यहाँ पर राइस कुक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है, ये इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है और उसमें मैंने ऐड किया है तेजपत्ता यानी बेलीज, देन क्लोव्स ऐड करी है यानी कि लौंग और ग्रीन कार्डमम, और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, मतलब थोड़ा सा मतलब सिर्फ 2 टीस्पून डाले जिससे वो राइस जो है वो आपस में स्टिक ना हो। इसे अब हमें अच्छे से बॉयल करना है।
राइस आप जो भी राइस आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बासमती हो या आपके पास तेल लॉ और भी जो भी वैरायटी का हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। बस बासमती का थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की नीड है कि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए। अब हम फिर से फ्लेम को फुल कर देंगे और अब राइस को हमें 90% कुक करना है। सो फ्रेंड, जब तक हमारे राइस कुक हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो हमारी वेजीज थी वो भी 30 मिनट्स हो चुके थे मुझे रखे हुए। अब मैंने उसको यहाँ कढ़ाई में 2 टीस्पून के लगभग मैंने ऑयल लिया था, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था और फिर उसमें मैंने ये जो मैरिनेटेड वेजीज थी वो ऐड करी। अब हमें इसे कुक करना है जब तक, वैसे तो गोभी ऑलरेडी फ्राइड है बट इसके जो मटर है और जो गोभी है वो हल्का सा अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो वेजीज थी वो अच्छे से कुक हो गई है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पनीर भी फ्राई करके रखा है, अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी क्योंकि अब हमें इसे कुक तो करना नहीं है, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ पनीर इस स्टेज में जिससे वो भी एक यू नो उसको भी एक कोटिंग मिल जाए सारे मसाले की। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी अपना फ्राई किया पनीर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मेरा फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, बस इसको अच्छे से इसी वेजीज के साथ में मिक्स करना है जिससे कि जब ये पनीर हम खाएं तो हमें ये नहीं लगे कि हमने बस प्लेन पनीर और फ्राई करके डाला है, एक अच्छा सा फ्लेवर उसमें भी मिल जाए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा इसको मतलब लेयरिंग करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेज बिरयानी की पता है सबसे खास बात क्या होती है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ये आप जो भी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई सब्ज़ी ढूंढनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, जो कुछ भी घर में अलग से बना सकते हो, थोड़ा अलग फ्लेवर में मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस हमारे हो गए, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए हमारा 90% राइस कुक हो गया है, पर अब हमें क्या करना है, इसको इसमें रहने नहीं देना है, हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, तो ये मेरा आपको इसमें थोड़े राइस दिख रहे होंगे, तो ये वही भगोना है जिसमें मैंने राइस बॉईल किए थे। इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा घी जो है वो लगा दिया है, बेस में लगाया है और वॉल्स पे भी लगा दिया है। यहाँ पे आप ऑयल थोड़ा ठीक से लगाइएगा वरना ये नीचे से चावल लगने का डर रहता है, तो एक बार आप अच्छे से इसको ग्रीस कर दीजिए और फिर इसमें हम लेयरिंग करेंगे। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपनी एक राइस की लेयर, और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे हमने जो वेजीज प्रिपेयर करी है, फिर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे जिससे कि जब हम खाएं तो हमें बिल्कुल भी ना ड्राई सा नहीं आए फ्लेवर। यहाँ पे हम मेरे पास मैंने ये थोड़ा सैफ्रन मिल्क लिया था, मैं वो भी ऐड कर रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। और थोड़ा सा कोरिएंडर की लीव्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब हम इसी तरह से सेकेंड लेयर बनाएंगे और ये तब तक करेंगे जब तक ये सारा जो हमारा मटेरियल है वो कंज्यूम हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जितनी लेयरिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और मैंने हर लेयर पे सेम ही स्टेप्स किए हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेयर पे करके दिखाए थे। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ जो मैंने नहीं ऐड करी कहीं पर भी और मैं अब ऐड कर रही हूँ, और वो है फूड कलर। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो पुलाव वाला कलर होता है वो है, तो मैंने उसको यहाँ पर थोड़े से मिल्क में, इसको वार्म मिल्क में इसे डिसॉल्व किया हुआ है। अगेन ये ऑप्शनल होता है, आपका मन है आप डालिए, नहीं माने मन डालिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सैफ्रन वाला मिल्क ऐड किया था वो भी एक अच्छा सा कलर दे देता है, बट सिर्फ मुझे थोड़ा बिरयानी में कलर अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो इसको हमें एक ही जगह से डालना है, पूरी बिरयानी में नहीं डालेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसे अगर और फ्लेवरफुल बनाना है कि आप इसको यहाँ पे ढूंगार भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी ढूंगार क्योंकि मेरे घर में उसका फ्लेवर इतना पसंद नहीं किया जाता है, वरना कुछ नहीं होता है उसमें। एक आप कोयला लीजिएगा, उसे
थोड़ा गरम करके एक कटोरी में उसके यहाँ पे एक छोटा सा बोल या कोई मिट्टी का बर्तन रखिएगा, उसमें उस कोल को डालिएगा, गरम कोल को, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालिएगा तो बहुत तेज उसमें फ्यूम्स निकलेंगे। फिर आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा और 10 मिनट के बाद उस कोल को उसमें से निकाल के और फिर हम इसे दम देंगे। तो अभी जैसे मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं आप इसमें डायरेक्टली दम दूंगी। तो दम देने के लिए लोग आटे से भी सील करते हैं, कुछ लोग फॉइल से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉइल यूज़ किया है, इससे मैं इसको सील कर दूंगी अच्छे से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको गैस पे दम दे रहे हैं तो आप इसके नीचे एक तवा रख लीजिएगा और उसके ऊपर इसे रखिए, अपना जो भी आपका वेसल होगा उसे रखिएगा जिससे चावल लगे ना। अब जैसे मैं इसे इंडक्शन पे कुक करूँगी तो मुझे तवा या और कोई पैन रखने की नीड नहीं है, क्योंकि इंडक्शन पे मैं इसको 350 पे कुक करूँगी तो उसमें लगता नहीं है। ये हमारा रेडी है और मैं अब इसको कवर कर दूँगी एक लिड से और इसको मैं अराउंड 20-25 मिनट्स 350 पे इंडक्शन पे कुक करूँगी। अभी हमें रखे हुए से दम पे 25 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको खोलूँगी, अब हमारी बिरयानी हो गई होगी। तो आप इसको बहुत आराम से ओपन करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी बढ़िया बनकर आई है। और अब हम ये देखिए एक भी राइस का ग्रेन नहीं टूटा है, सब बिल्कुल साबुत है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए मुझे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बस तुरंत इसको खा लूं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बिरयानी सारी निकाल ली है और कितनी बढ़िया लग रही है, कितने खिले हुए राइस लग रहे हैं और कलर्स भी कितने अमेजिंग लग रहे हैं। सैफ्रन का अलग कलर आया है, स्पाइसेस का अलग है, जो मैंने कलर डाला था वो अलग से आया है और ये बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो गई है। सो हम इसे खाएंगे रायते के साथ, आप इसे रायते के साथ या फिर अनियन और ग्रीन वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 एक कमेंट तो ज़रूर बनता है ना, और प्लीज़ 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 टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।